सो इस बार हम फ्लिकर टेक्स्ट की बात करेंगे, हो सका तो फ्लिकर ग्राफिक की बात कर लेंगे। सो चलते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, देखते हैं कि फ्लिकर टेक्स्ट काम कैसे करता है। चलो देखिए, फ्लिकर टेक्स्ट बेसिकली मैंने यहाँ एक वीडियो रखी है नीचे, एंड इसी के ऊपर मैं चाहता हूँ कुछ टेक्स्ट को टाइप करा जाए। सो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ एक टेक्स्ट, एंड यहाँ कर लेते हैं हम टाइप एक अच्छा सा टेक्स्ट। ओके, सेंटर में कर ले, यहाँ कर लेते हैं। ओके, सो लेट मी टाइप माय टेक्स्ट। साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। सो मैंने जैसा कि बताया था, ग्राफिक में जाओगे एंड आप वर्कस्पेस में एसेंशियल ग्राफिक्स, सो एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके आप अपना साइज कम ज़्यादा अगर करना चाहो वो कर सकते हो। फिलहाल देखते हैं क्या और आ रहा है। साइज वेलकम, ओके, साइज थोड़ा छोटा कर लिए, एंड फॉन्ट, फॉन्ट बेसिकली जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो यूज करना चाह रहा हूँ VCR। ये फॉन्ट बेसिकली मैंने डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। कंट्रोल ए, एंड यहाँ से मैं VCR फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड वेलकम टू Adobe। ठीक है जी, अब इसको हम सेंटर कर दें। सेंटर करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों दबा के मैंने इसको सेंटर कर लिया। कलर आप चेंज करना चाहो आप बेसिकली कर सकते हो कलर चेंज। एंड मैं चाहता हूँ कि यार ये वीडियो थोड़ी सी नीचे को शो हो, थोड़ी सी नीचे को शो हो एंड थोड़ी सी बड़ी शो हो। बेसिकली मैं वीडियो नहीं, आपको टेक्स्ट का काम दिखाना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है, सो टेक्स्ट में आपको दिखा देता हूँ कि काम कर कैसे रहा है। एसेंशियल ग्राफिक्स अगेन खोल लेते हैं, एंड ये रहा हमारा एसेंशियल ग्राफिक्स। ओके, सो टेक्स्ट का मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो सबसे पहले हम ये टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे, एंड इधर आपको कुछ आपका टेक्स्ट दिख रहा है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक फ्रेम आगे जाएंगे, दो फ्रेम आगे चले जाते हैं, एंड सी दबा के कट कर रहा हूँ, रेजर टूल यूज कर रहा हूँ, एंड इसको क्रॉप किया। फिर अगेन दो फ्रेम आगे गए एंड रेजर टूल यूज किया। ठीक है जी, ऐसी, एंड ये बीच वाले पार्ट को हम काट देंगे। ठीक है जी, ऐसी हम लास्ट में जाएंगे, एंड लास्ट में जाके छोटा करते हैं, एक फ्रेम हम पीछे ही रखे, एक फ्रेम और पीछे जाते हैं, सी से हम रेजर टूल यूज करके काटते हैं, फिर दो फ्रेम पीछे होते हैं एंड काटते हैं, एंड वी से ये बीच वाला हटा देते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा था उसकी मैं आपको बात करता हूँ, फिर हम वीडियो वापस रख देंगे। सो कुछ इस तरह का इफेक्ट लास्ट में फिर आपको दिखेगा। सो इस वे का इफेक्ट, अगर आप चाहो मल्टीपल कट भी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। अगर आपको और अच्छी वे में चाहिए, दो कट पीछे गए सी से रेजर टूल से काटा, फिर दो कट पीछे गए सी से रेजर टूल से काटा, एंड वी से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, ऐसे इसकी शुरुआत में गए, यहाँ से दो कट आगे गए सी दबाया एंड रेजर टूल से काटा, फिर दो कट आगे गए सी दबाया रेजर टूल से काटा एंड वी से इसको हटा दिया। ओके, एंड अब देखते हैं जो हम देखना चाह रहे हैं वो हम देखते हैं। सो कुछ इस वे का, अगर आपको ये डिपर मारते हुए दिखाना है, बार बार फ्लिकर होता रहे ये दिखाना है, तो आपको ऐसी कटिंग्स करनी होगी हर दो दो फ्रेम के बाद। अब ये वीडियो वापस इसकी पोजीशन में ला देते हैं भाई, फिर कहोगे इस वीडियो का क्या काम था। सो इस वीडियो का कोई काम नहीं था, बेसिकली अच्छी लगे इसलिए लगाई थी, और कोई काम इसका खास था नहीं इसमें। सो कुछ इस वे में आप दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर मैं अपनी वीडियो को दिखाना चाहूँ, मैं अपनी वीडियो को भी फ्लिक करता हुआ दिखा सकता हूँ। मैं अपनी वीडियो की क्लिप कुछ यहाँ तक ले लेता हूँ, एंड इसके आगे का पार्ट मैं हटा देता हूँ कि उसकी मेरे को जरूरत नहीं इतनी बड़ी वीडियो की, मैं स्मॉल में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दो फ्रेम आगे गए, एक एंड दो, एंड यहाँ हमने कट किया, फिर एक एंड दो यहाँ हमने कट किया। ठीक है, एक एंड दो यहाँ फिर कट किया, एंड एक एंड दो यहाँ
फिर कट किया। ओके सिंपली लास्ट में गए, इसी वीडियो के लास्ट में गए, एकदम लास्ट में चले जाओ एंड एक एंड दो, थोड़ा छोटा करें तो आपको दिखेगा क्लियर कट, दो फ्रेम एंड कट, एक एंड दो फिर कट, फिर एक एंड दो फिर कट, फिर एक एंड दो फिर कट एंड वी से हमने सबका बीच का हटा दिया एंड वापस वीडियो को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे एंड शुरुआत का थोड़ा सा काटने वाला रहता होगा तो इसको काट दिया एंड इसको बैक स्पेस से हटा दिया, वापस नॉर्मल लिया एंड अब देखो सो कुछ ब्लिंक करती है वीडियो। इसी टेक्स्ट को हम बोलते हैं फ्लिकर टेक्स्ट, जो कि कई बार यूज आता होता है, ठीक है जी। सो ये आप कर सकते हो। अब ये सारी चीजों को एक साथ आगे लेके जाना है, सो हमने सिंपल ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड यूज कर लेते, ये लिया हमने वी दबाया एंड सारा बैकवर्ड को सिलेक्ट करके कुछ इधर ले आया। अब देखो एंड टेक्स्ट आया एंड इसका बीच का साइज अगर आप छोटा करना चाहो आप छोटा भी कर सकते हो, मैं इसका बीच का साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ जिससे ये वीडियो और अच्छी आपको प्रेजेंट होके आए एंड आपको इसका काम पता लगे, ठीक है जी। सो वी से इसका हटा देता हूँ मैं सेंटर का सारा पार्ट एंड आगे का सारा पार्ट इसको हम शिफ्ट करके इधर ले आते हैं। अब देखते हैं ये वीडियो काम कैसे कर रही है। चली वेलकम टू एडोब आया, देन वेलकम टू एडोब एंड ब्लिंक एंड देन बंद। सो इस वे में भी आप अपने वीडियोस को तैयार कर सकते हो। आई होप आपको फ्लिकर टूल समझा होगा कि फ्लिकर में बेसिकली हम कटिंग करते हैं। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, अच्छी लगे लाइक शेयर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।